सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम खेलने जा रहे हैं गाइस माइनक्राफ्ट। और गाइस माइनक्राफ्ट में आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी सर्वाइवल सीरीज। और गाइस हम एक जंगल में स्पॉन हो चुके हैं और हमें यहां पर सबसे पहले भाई एक समतल जगह ढूंढनी है जहाँ पर हम अपना घर बना सकें। चलिए गाइस ढूंढते हैं अपने लिए एक प्लेन एरिया ढूंढते हैं जहाँ पर हम अच्छे से अपना घर डेवलप कर पाएंगे। तो भाई अभी तो इस फॉरेस्ट से बाहर निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर तो भाई बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारी ऊंची नीची जगह है। गाइस काफी देर चलने के बाद मैं आ चुका हूँ भाई यहाँ पर, समुद्र है सामने की साइड और अभी हम कोस्टल एरिया पर हैं यहाँ पर। तो अभी भाई यहाँ से आगे चलते हैं और मैंने कुछ वुडन टूल्स बना लिए हैं अभी, और इन वुडन टूल्स से भाई हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मुझे याद ही नहीं रहा था कि मुझे वुडन टूल भी बनाने हैं, सो बाद में मैंने भाई ये वुडन टूल भी बना लिए। थोड़ी लकड़ियाँ और कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि भाई मुझे अभी एक बेड भी बनाना है, क्योंकि बिना बेड के भाई हम रात को अच्छे से भाई सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस लास्ट ब्लॉक को छोड़ देते हैं और सामने की साइड गाइस ये कुछ खाने की चीज़ें इसे कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि बाद में ये चीज़ें मुझे काफ़ी काम आएंगी और बाद में मैं इनकी खेती भी कर पाऊँगा। पता नहीं गाइस ये बेरीज हैं, शायद मैं बाद में खा पाऊँ। तो मैंने कुछ बेरीज को कलेक्ट कर लिया है इस सैंड को हटाओ सामने से। सो मैंने थोड़ी बहुत सैंड भी कलेक्ट कर ली है गाइस। और ये क्या, मुझे आवाज़ आई भाई ये खरगोश है सामने की साइड। सो खरगोश को छोड़ते हैं भाई, हम नहीं मारेंगे खरगोश को, आगे चलते हैं। और भाई आगे भी मुझे बुड्डी वुड दिखाई दे रही है और सामने की साइड एक पहाड़ भी था वो है भाई। यहाँ पर इस साइड पूरा समुंदर है, वहाँ पर पूरी वुड से वुड है, तो वहां पर मुझे थोड़ा अलग पेड़ दिखाई दे रहा है, तो मुझे उस साइड चलना चाहिए। और भाई अभी पानी के अंदर चलकर देखते हैं कि असल में पानी के नीचे की दुनिया कैसी। भाई साहब क्या जबरदस्त ग्राफिक लग रहे हैं गेम के, सच में पानी भाई इस गेम के अंदर वाकई में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है भाई, बिल्कुल क्लियर वाटर दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं भाई, यहाँ पर कोई गंदगी वंदगी नहीं है, बिल्कुल शहरों की तरह जैसे गंदे नाले होते हैं, गंदी जगहें होती है, वैसे नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल प्योर नेचर का भाई है। और इस बत्तख को मारते, पता नहीं ये डाके क्या है ये, तो इसको मारते हैं भाई। मेरी स्वॉर्ड कहाँ पे, अरे एक और फटका बस भाई, हमारी स्वॉर्ड से भाई हमने एक मुर्गी वगैरह को मार दिया है। तो इसका मीट हम बाद में पका कर खाएंगे, वैसे तो हम फुल वेजिटेरियन हूँ गाइस, लेकिन भाई इस गेम के अंदर हम मीट खाकर हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। अभी भाई सामने की साइड समुद्री समुद्र दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा एक प्लेन एरिया को ढूंढने में, क्योंकि भाई जिस एरिया में मैं स्पॉन हुआ हूँ वो पूरी फॉरेस्ट बायोम है। ये नीचे का एरिया भी काफ़ी सुंदर है भाई, वाटर के अंदर भाई रहने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी ऑक्सीजन कम हो रही है। और ये क्या भाई नीचे की साइड, यहाँ पर ये क्ले है, इस क्ले को मैं बाद में यूज़ करने वाला हूँ, शायद हम क्ले से कुछ ब्रिक्स और कुछ बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बना पाएँ बाद में, लेकिन अभी हमें क्ले की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भाई हमें एक रहने के लिए अच्छी जगह ढूंढनी है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। और ये क्या भाई, यहाँ पर पानी थोड़ा नीचे की साइड बह रहा है, तो हम वहाँ की तरफ खींचे चले गए। ओ भाई शाम होने को हो चुकी है और सामने की साइड भाई बहुत बड़ा खड्डा था, तो इसकी साइड से हमें निकलना होगा भाई। वो पानी शायद इसी खड्डे के अंदर जा रहा है और इसके अंदर भाई गिरता तो मैं बचता नहीं और वापस हम रिस्पॉन हो जाते उसी जगह पर, हमारी सारी चीज़ें भी चली जाती, ये बहुत बुरा होता। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भाई पेड़ थोड़े चेंज हो चुके हैं, यहाँ पर शायद बायोम थोड़ा चेंज हुआ है। आगे हमें जल्दी भाई कुछ ना कुछ अच्छी जगह मिल जाएंगी रहने के लिए। अभी मैं थोड़ा पहाड़ चढ़ लेता हूँ, ये शायद छोटी सी कोई पहाड़ी है। अरे भाई यहाँ पे तो बहुत सारे पेड़ हैं, थोड़ी सी हेल्थ डाउन। अभी वहाँ पर मेरे को एक गोट दिखाई दी, ये रही भाई बकरी, मारते हैं इसको। गाइस हमने एक बकरी नहीं, ये शायद शिप है, शिप को भाई हमने मार दिया है और इस शिप से हमें वूल प्राप्त हुई है। भाई डॉग्स को मैं टेम कर सकता था अगर मेरे पास बोन होती, क्योंकि विदाउट बोन हम भाई इन डॉग्स को टेम नहीं कर सकते हैं। अभी चलते हैं आगे की तरफ और हमने काफी कुछ कलेक्ट कर लिया है। पिग गाइस सामने की साइड पिग हैं और इन पिग्स को भी मारते हैं, हमें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। अरे पिग कहाँ गया, ये बहुत तेज भाग रहा है। अरे भाई मैं बहुत की तरह, चलो भाई शाम हो रही है, मुझे कोई ना कोई भाई और जो है शिप्स को ढूंढना होगा जिसकी वजह से मैं बेड बनाकर भाई मॉब से बच पाऊँ, क्योंकि ज़ॉम्बी और स्केलेटन यहाँ पर स्पॉन हो गए तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो अभी जल्द से जल्द भाई मैं शिप्स को ढूंढता हूँ, शिप को मारता हूँ। भाई सनसेट यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त ग्राफिक लग रहे हैं भाई माइनक्राफ्ट के भी। अभी चलते हैं आगे की साइड और मुझे लगता है हाँ वहाँ की साइड मुझे कुछ समतल ज़मीन देखने के लिए मिल सकती है। तो इस वाटर को क्रॉस करते हैं यहाँ से, उस पर वो नीचे चमकदार क्या है, और ये वो पानी वाला ज़ॉम्बी है भाई, ये बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी होती है, इनकी हेल्थ नॉर्मल ज़ॉम्बी से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मारने भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अभी मेरे पास ना ही कोई आर्मर है और ना ही बाकी की और चीज़ें, सो टाइम लगेगा। सामने की साइड कुछ शिप्स थी गाइस, उनको मार कर मैंने बेड बना ली। तो और यहाँ पर भाई एंडरमैन है, सो मैंने यहाँ पर भाई पूरी रात को मैं यहाँ पर सो गया था, जिसकी वजह से भाई अभी दिन हो चुका है नेक्स्ट। सो अभी यहाँ से डस्ट ब्लॉक्स को तोड़ते हैं और अपने इस बेड को उठाते हैं और चलते हैं
एक प्लेन एरिया को ढूंढने के लिए। सो गाइस काफी ज्यादा देर ढूंढ चुका हूँ मैं, लेकिन मुझे कोई प्लेन एरिया नहीं मिला है अभी तक। और हमने वुडन टूल बना लिए हैं और अभी बस मैं थोड़ा स्टोन है यहाँ पर, बाद में स्टोन भी यहाँ से कलेक्ट करूंगा। सामने की साइड रोटन फ्लैश है, हमारी स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो हो गई है। तो अब हम रोटन फ्लैश खाएंगे तो भाई हमारी स्पीड है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। सो अभी हमारे ऊपर भाई हंगर आ चुका है, यानी एक हमने कच्चा मीट खाया रोटन फ्लैश, तो हमें अब जल्दी भूख लगने वाली है। सामने की साइड का समतल जगह दिखाई दे गई है मुझे, वहां पर भाई मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। और गाइज ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग, और इस वीडियो को हाँ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।